हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। इन लास्ट वीडियो ऑफ साइंस बायोलॉजी वी हैड डिस्कस द चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वी हैड कंप्लीटेड सम टॉपिक एंड वी आल्सो नो व्हाट इज़ अ सेल। सो द टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। हम देखते हैं कि सेल किस चीज़ का बना होता है और उसका स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का वो क्या होता है। ठीक है, तो वी सॉ अबव दैट द सेल, हमने पहले देखा कि सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स। सेल के स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और ये है कि हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, तो पूछ रहा है कि अब सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट। जब हम देखेंगे तो हमें इसके अंदर थ्री फीचर्स दिखाई देते हैं। ओके, आइए देखते हैं वो थ्री फीचर्स क्या हैं। हमें जो हम जब माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं तो सेल के अंदर हमें थ्री फीचर्स दिखाई देते हैं। उस वो थ्री फीचर्स क्या होते हैं, सभी सेल में दिखाई देते हैं। वो सभी वो फीचर्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीन फीचर होते हैं जब कब दिखाई देते हैं हमें, जब हम सेल के को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ओके, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल अंडर इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर। और सेल के अंदर इनसाइड में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जिस चीज़ से वो इंटरेक्ट होते हैं और जो बाहर के इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्ट होते हैं वो इन्हीं फीचर से होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है और जो सेल के बाहर जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होके वो एक्टिविटीज़ करते हैं वो इन्हीं फीचर्स पे द्वारा पॉसिबल हो पाती है। देखिए, आइए देखते हैं कैसे। तो जो फर्स्ट हेडिंग है वो ये है प्लाज्मा, मतलब हमने जो फर्स्ट फीचर उसका पढ़ा वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ऊपर जो पढ़ाया पहला फीचर था उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यह जो होता है सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो इसके कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह इनको परमिट देता है, मतलब कि परमिशन देता है किस चीज़ को, मटेरियल को अंदर आने के लिए और बाहर आने के लिए, जैसे कि H2O, CO2 इस तरह से। ठीक, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, मतलब कि कुछ चीज़ों को आने से रोकता भी है। अब देखिए, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ओके, आइए आगे देखिए। हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द सेल, ये कह रहा है कि एक सब्सटेंस जो सेल के अंदर कैसे मोमेंट करता है, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और सब्सटेंस सेल के बाहर कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ये मूव कर सकते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन में मूव कर सकते हैं बाई अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न, किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। ठीक है, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर, मतलब पहले हमने पढ़ा है। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि डिफ्यूज़न क्या होता है। यहाँ जो बता रहे हैं डिफ्यूज़न के बारे में बता रहा है, मैं ईजी वर्ड्स में बताती हूँ कि डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है थ्रू विच द सब्सटेंस मूव फ्रॉम द, तो सब्सटेंस होता है वो कैसे मूव करता है, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है। मींस जो डिफ्यूज़न होता है वो एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस होता है वह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ से भी बताऊंगी, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, अभी आगे रीड करती हूँ फिर बताती हूँ। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंस लाइक CO2 विच इज़ सेकुलर वेस्ट। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये है आपका सेल, ठीक है, सेल है और ये है बाहर होता है O2 है और अंदर O2 है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये O2 होता है ये कहाँ होता है, अधिक, बाहर अधिक होता है, तो अधिक से कम की तरफ आता है।
तो ये जो है ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, ठीक है। और देखिए ये हो गया, ये जो आपका हो गया, ये हो गया CO2, ठीक है। ये क्या है? CO2 है ना। अब CO2 क्या है, इसमें अधिक होता है और बाहर जो होगा CO2 कम होगा, तो ये अधिक से कम की तरफ जाता है। कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। और सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है और बाहर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन अधिक से कम की तरफ आता है, ठीक है। सेल के अंदर CO2 जो वेस्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है सेलुलर वेस्ट होता है, सेल का वेस्ट होता है, यह बाहर की तरफ जाता है। अंदर अधिक होता है, बाहर कम होता है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है, तो बस इसी को डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, आगे का सब यही सब था ऊपर, इसलिए मैंने उसको पूरा हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, एज सुन एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द आउटसाइड ऑफ अ सेल, जैसे आपने देखा ना कि CO2 क्या था, सेल के अंदर जो CO2 था वो सेल के अंदर अधिक था, तो अधिक से बाहर की ओर जा रहा था, फॉर्म अ रीजन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन, जो मैंने बताया सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और O2 इंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज, ठीक। तो बस वैसे ही बता रहा है कि O2 बाहर अधिक है और अंदर कम है, तो ये बाहर से अंदर सेल के अंदर जाता है, ठीक। द डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इस प्रकार जो डिफ्यूज़न होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस चेंज में, ठीक है। मतलब जो चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, उसके अंदर जो डिफ्यूज़न होता है वह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, जैसे अभी आपने CO2 और H2O के बारे में पढ़ा, सेम यही चीज़ CO2 और O2 के बारे में पढ़ा, वही सेम चीज़ अभी आप CO2 के बारे H2O के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ कि CO2 को सेलुलर वेस्ट कहते हैं, क्यों, जो सेल का वो वेस्ट होता है इसलिए वह बाहर की तरफ जाता है, ठीक। अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न वाटर के बारे में, H2O के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स, मतलब कि जो वाटर का मोमेंट होता है सेल में, मॉलिक्यूल्स में, सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसे मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो वाटर का होता है उसे क्या बोलते हैं, आइए मैं बता रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, इसे जो बोलते हैं वो है ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस मीन्स जो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा था, हमने अभी O2 के बारे में पढ़ा और CO2 के बारे में, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग H2O के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पानी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये प्रोसेस होता है, जो सेल में ये H2O का जो प्रोसेस होता है, उससे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक। द मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो ये जो मोमेंट होता है वाटर का, ये किस पे इफ़ेक्ट करता है या किससे अफेक्ट होता है, अगर पानी में कोई चीज़ मिला हुआ है, ठीक है, तो वह उसके कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। दस मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए अगर पानी में नमक या कोई चीज़ आप मिलाए हुए हैं, तो उस प्रोसेस में, उस कंडीशन में जो वाटर है वह किसी बीकर से बाहर बहुत स्लो होके जाएगा, बहुत कम जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, मैंने अभी भी बताया था इसके पहले कि क्या होता है, इसमें प्रोसेस जो होता है, इसमें जो सब्सटेंस होता है वो मूव करता है कहाँ से, हाई से, रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन से थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स टू अ रीजन ऑफ, किस रीजन की तरफ, लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डिफ्यूज़न के टाइम पे O2 और CO2 के टाइम पे, वैसे ही सेम इसमें भी होता है, अधिक से कम की ओर जाता है, ठीक। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल, अ प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ ग्लास और सॉल्ट इन वाटर, क्या होगा अगर हम इनको रखेंगे, अगर ऐसा करेंगे एनिमल्स या प्लांट के सेल को रखेंगे, तो तीन चीज़ें होंगी, वो तीन चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए
अब यहाँ पे है दो चीज़ें हैं कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ था ना डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में, तो ये क्या होता है। सपोज़ करिए कि ये एक बीकर है, इस बीकर में आपने 2 चम्मच सॉल्ट लिया है, इस बीकर में आपने 10 स्पून सॉल्ट लिया है, ठीक है, समझ में आया। तो जब 2 स्पून इसमें हम बीकर में पानी लेंगे और पानी के अंदर हम 2 स्पून अगर सॉल्ट को डालेंगे तो जो होगा सॉल्ट ये डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन जिस बीकर में पानी है और जिसमें हम 10 चम्मच शक्कर इसको नमक को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। फिर से समझिए, 2 बीकर है, दोनों बीकर में समान पानी लिया गया है, इसमें 2 चम्मच डाला गया है सॉल्ट, इसमें 10 चम्मच, ठीक है। तो जिसमें 2 चम्मच है सॉल्ट वो तो वाटर के साथ डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन जिसमें 10 चम्मच डाला गया है वह कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट कम होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूट होगा, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और ये जो बीकर है जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेट हो गया, जिसमें सॉल्ट अधिक है, उसे क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक। आगे देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। और अगर पानी में हम कोई चीज़ मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, कोई सॉल्यूशन मिक्स नहीं करते हैं, तो दोनों जो डायरेक्शन होगा दोनों का समान में होगा, ठीक है। जैसे कि H2O जो क्या है, H2O के साथ क्या होता है कि बाहर जो होता है, मैं बता देती हूँ, ये है H2O, बाहर के एनवायरनमेंट में है, ये एक सेल है, ये सेल में है H2O, ठीक। तो ये अधिक से कम की तरफ आता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो वाटर है जिसमें 10 चम्मच सॉल्ट डाला गया था, उस बीकर का क्या होगा कि जो ये जो आपका कंसंट्रेशन होगा ये बहुत लो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत अधिक लो हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं, अब ये देखिए एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ना, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन अधिक होगा, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन किसमें वाटर कंसंट्रेशन अधिक रहेगा, जिसमें मैंने बताया जिसमें वाटर कंसंट्रेशन अधिक होगा उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आगे देखिए, इफ़ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम, अगर मीडियम दोनों का सेम है वाटर कंसंट्रेशन एज अ सेल, देयर विल बी नो नेट नो मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच अ सॉल्यूशन नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए क्या है, एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर में हमने पानी ले लिया और आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया इसमें, फिर इसमें एक सेल को डाल दिया, ठीक है। तो ना वाटर सेल से बाहर जाएगा और ना बाहर से वाटर सेल के अंदर आएगा। कहने का ये है कि जो सॉल्यूशन ये सेल है, सेल से वाटर ना बाहर जाएगा और ना इस सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। आगे देखिए, आगे है थर्ड, देखिए, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन, अगर मीडियम लोअर कंसंट्रेशन है वाटर का देन द सेल, ठीक है, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर बाई ऑस्मोसिस, सच सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, मैं इसको बताती हूँ फिर से। हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, इस बीकर में पानी ले लिया और पानी बीकर में मतलब पानी डालने के बाद इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया गया, फिर इसमें एक सेल को डालेंगे तो सेल में वाटर की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, ये जो सेल है ना सेल, ये सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये जो इसमें आप जो लिक्विड है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। उससे क्या है कि इसमें, आगे मैं फिर से एक चीज़ बताती हूँ, उससे होगा ये कि अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। इससे क्या होगा, इससे सेल में वाटर कम और बाहर ज़्यादा आ रहा है, इस प्रोसेस से क्या होता है कि सेल के अंदर वाटर कम होगा ना और बाहर वाटर ज़्यादा आ जाएगा, इससे क्या होगा, सेल का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा।
दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिल्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम इसके बारे में और जानेंगे, किसके बारे में, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे।